Sunday school, KCC Sunday school. Sunday school, Sunday school, KCC Sunday school. Sunday school, Sunday school, KCC Sunday school. Sunday school, Sunday school, KCC Sunday school. Praise Lord बच्चों, North India की रिवासनम Church of Christ की तरफ से Sunday school में आपका स्वागत है। यहोवा कितना भला है और उसकी करुणा सदा की है। आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई बच्चों। आप सब कैसे हो? विश्वास करती हूँ कि आप सब ठीक है। आज हम संडे स्कूल में एक्शन सॉन्ग, स्टोरी, मेमोरी वर्स, एक्टिविटी और बाइबल स्टोरी भी हम देखने वाले हैं। आप तैयार हो बच्चों? आज हम इस प्रोग्राम में और कुछ नए बातें भी हम सीखने वाले हैं। लेकिन प्रोग्राम में जाने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक आके अभी आकर प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रिक्रम एंगल ஆண்டவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் स्तोत्री स्तुति करते हैं अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता अरमयान देवेले का नाम செலுத்துகிறோம் इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते प्रभु जी அதிகப்பட்டதான அந்த வேளையை நாங்கள் உமது கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் आशीष की ओर इस सुंदर समय के लिए आपके हाथ में देते हैं தம்முடைய பிள்ளைகள் செய்கிறதான ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக आपके बच्चे कर रहे हर एक भागों को आप आशीष कीजिए சிறு பிள்ளைகளுக்காக நடத்தப்படுகிறதான இந்த புரோகிராம்ல इस छोटे बच्चे के लिए किए जाने वाले इस प्रोग्राम को आपका अनुग्रह रहने के लिए आप अनुग्रह कीजिए छोटे बच्चों को मेरे पास आने के लिए आप जगह दीजिए आपके बच्चे चलाने वाले हर एक भागों को अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह रहने के लिए हम आपके सामने प्रार्थना करते प्रभु जी इसमें प्रयास करने वाले हर एक को आप परमेश्वर का ज्ञान कृपा दया वलर बढ़के बढ़के चलने के लिए इन प्रोग्राम ले पाकर ओवर सिर्फ पिल्लेगलियों इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक बच्चे को ज्ञान तीलों परमेश्वर का ज्ञान दया कृपाइलों कृपा वलंद पेरुगुमड़ियां है बढ़ने के लिए ओवर पिल्लेगलियों हर एक बच्चों को इस प्रोग्राम के द्वारा आशीर्वाद कोडुकुमड़ियां जीविकरो परमेश्वर आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिल्लेगलियों मत करंग ओप्पु कोडुकरो हर एक बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं कतरे उले आशीर्वाद कुमड़ियां जीविकरो परमेश्वर आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का कृपा परमेश्वर का अनुग्रह हरदम उनके साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके हाथ में दीन करके दे रहे हैं सारे भागों को परमेश्वर का करम कुड़न वलनेडुत्त मुडियाय जीविक्रो परमेश्वर का अनुग्रह साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं तोपु कुड़करो आपके हाथों में दीन करके सौंपते हैं आशीर्वदियो परमेश्वर चलाइए और आशीष कीजिए आंदोरा यीशु के नाम में जीविक्रो पिताए यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता आमीन आज का हमारा थीम है विश्वास विश्वास क्या है विश्वास किसको कहते हैं विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अन्य देखे वस्तुओं का प्रमाण है बाइबल में एक व्यक्ति है जिसे हम विश्वास का पिता कहते हैं बताइए कौन बताइए नहीं पता ठीक है बच्चों इसे हम एक्शन सॉन्ग के बाद हम देखने वाले हैं एक्शन सॉन्ग सिखाने के लिए हमारे बीच में जॉयस दीदी आए हैं आर यू रेडी JESUS बच्चों एक्शन सॉन्ग सीखेंगे एक्शन सॉन्ग सीखने से पहले हम लिरिक्स सीखेंगे रेडी हो तुम विश्वास की डाल लेकर स्थिर हो जाओ तुम और एक बार बोलेंगे विश्वास की डाल लेकर स्थिर हो जाओ तुम बच जाओ शैतान की सारी युक्तियों से बच जाओ शैतान की सारी युक्तियों से बलवंत को मदद करना बलहीन को मदद करना बलवान को मदद करना बलहीन को मदद करना यीशु के लिए आसान काम है यीशु के लिए आसान काम है
एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। एक्शन सॉन्ग दोबारा करेंगे। विश्वास के डाल लेकर स्थिर हो जाओ तुम, विश्वास के डाल लेकर स्थिर हो जाओ तुम, बच जाओ शैतान की सारी युक्तियों से, बच जाओ शैतान की सारी युक्तियों से, विश्वास के डाल लेकर बच्चों, आंसर आपको पता है विश्वास का पिता कौन है? हाँ, उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम। अच्छा, ये विश्वास कैसा आता है और कहाँ से आता है, आंसर आपको पता है? हाँ पता है आपको, ठीक है। इसका आंसर अभी हम स्टोरी के बाद हम जानेंगे। तो स्टोरी बताने के लिए हमारे बीच में भारती दीदी आए हैं। आर यू रेडी बच्चों? JESUS। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, अभी कहानी सुनने का समय है। बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक सवाल करना है। मुझे एक बात बताइए बच्चों, आपने कभी प्राइज जीता है? कंपटीशन, स्कूल में कंपटीशन होता है तभी प्राइज मिलता है ना। हाँ, आप जीते हैं ना। वैसे ही बर्थडे में अपने को बहुत सारा गिफ्ट्स मिलता है,
मम्मी पापा गिफ्ट्स देते हैं, फिर आजू बाजू के फ्रेंड्स गिफ्ट्स देते हैं, है ना। वैसे ही मेरी नाम की एक लड़की थी, उसको उसके डैडी ने एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया होगा? अभी हमारे मम्मी पापा हो तो हमें टॉयज देंगे या चॉकलेट्स देंगे, है कि नहीं। लेकिन मेरी नाम की जो लड़की है उसके डैडी ने उसे एक छोटा सा मेमना लाके दिया। मेमना यानी लैम्प, यानी भेड़ का बच्चा। हाँ, तो वो जो छोटू सा मेमना था वो उसको बहुत पसंद आया। उसे इतना पसंद आया मेरी को कि वो उसको नहलाती थी सुबह उठ के, फिर उसे खाना खिलाती थी। इतना ही नहीं, वो मेमना जो है मेरी जब स्कूल जाती थी उसके पीछे पीछे वो भी मेमना जाता था। हाँ बच्चों, जैसे ही मेरी जाती थी स्कूल, ये मेमना भी उसके पीछे पीछे जाता था। तो और स्कूल छूटते समय भी वो मेमना जो है स्कूल छूटने तक दरवाजे पे ऐसे ही रहा देखता था कि मेरी अभी छूटेगी। जैसे ही मेरी छूट जाती थी स्कूल से, मेरी और मेमना दोनों साथ स्कूल से घर आते थे। जैसे ही वो लोग घर आते थे तो वो लोग एकदम खुश खुश रहते थे। खेलना हो शाम को या कहीं बाहर घूमने जाना हो, सब कुछ एक साथ करते थे। लेकिन अचानक एक दिन क्या हो गया, जो मेरी है उसके डैडी का जो है काम चला गया। काम जाने के वजह से उनके पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं होने के वजह से उनको खाना खाने नहीं मिलता था। तो मेरी के जो डैडी है वो बहुत टेंशन में थे कि हम क्या करेंगे। तो मेरी के डैडी को एक सुझाव आया, उन्होंने एक आइडिया लगाया कि हमारे पास जो छोटा सा मेमना है वो हम किसी को बेच के उसके बदले पैसे ले लेंगे। लेकिन वो बहुत हिचकिचा रहे थे क्योंकि लिए मेरी का फेवरेट था मेमना। अभी अगर आपका कोई फेवरेट चीज आपके मम्मी पापा किसी और को दे देंगे तो आपको बुरा लगेगा, है ना। वैसे ही मेरी को उसके डैडी ये सोच रहे थे कि मेरी को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन क्या करे, परिस्थिति ऐसे होने के कारण उन्होंने क्या किया, मेमने को बेचने का प्लान किया। तो जैसे ही वो मेमना बेच के घर आए, उसी समय मेरी भी घर पे आ गई। तो मेरी जो है वो पूरा घर ढूंढ रही थी कि मेमना कहाँ है। वो ये सोच में पड़ गई कि वो शाम को स्कूल के यहाँ पे भी नहीं मिला। तो मेरी जो है बहुत टेंशन में आ गई, बहुत उदास हो गई। जैसे ही उदास हो गई, वो घर पे आते से उसकी मम्मी किचन में काम कर रहे थे। तो जैसे ही उसकी मम्मी किचन में काम कर रहे थे, उसने मम्मी को पूछा, मम्मी मेरा मेमना कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला, यही कहीं होगा, बाहर खेलता होगा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि जाके ढूंढो बाहर। तो मेरी वैसे ही बाहर भागते हुए गई, घर में ढूंढा, घर पे भी नहीं थी। बाहर बरांडे में ढूंढा, वहां पे भी नहीं थी मेमना। तो वो बहुत टेंशन में आ गई, इतना टेंशन में आ गई कि वो फिर से अपनी मम्मी के पास दौड़ते हुए गई कि मम्मी मेमना जो है ना ही घर पे है और ना ही बाहर है, तो ये गया कहाँ पे। वो बहुत टेंशन में थी। फिर वैसे ही उसके डैडी जो है एक रूम में बैठे हुए थे, तो उनको जाके उसने पूछा कि डैडी क्या आपने मेरे मेमने को देखा। तो उन्होंने तब तक कुछ भी नहीं बोला। उसके डैडी जो है 5 मिनट तक चुप बैठे थे। फिर से उसने अपने डैडी को पूरा हिलाया और पूछा, डैडी आपने मेरे मेमने को देखा। तो उसके डैडी ने दबे हुए आवाज में बोला, हाँ बच्चा मैंने तेरे मेमने को देखा। जैसे ही उसके डैडी ने बोला कि हाँ मैंने मेमने को देखा, वो वैसे ही बहुत खुश हो गई कि फाइनली मेरा मेमना मिलने वाला है। लेकिन जैसे उसके डैडी ने बोला कि मैंने तेरे मेमने को बेच दिया, वो बहुत उदास हो गई। वो इतनी उदास हो गई कि वहीं पे रोने लग गई। वो रोते रोते उसके डैडी को बोली कि मुझे मेरा मेमना वापस चाहिए, मुझे चाहिए। तो उसके डैडी ने बोला, ठीक है तुम रो मत, हम तुम्हारा मेमना जो है वापस लेके आएंगे। जहाँ पे मैंने देके आया था बेचने के लिए, वहीं से हम उसे फिर से लेके आएंगे। तो मेरी जो है वो खुश हो गई कि चलो इसी बहाने उसका मेमना मिल जाएगा। तो जैसे ही वो उसके डैडी के साथ जा रही थी, जाते जाते उसने मन में प्रार्थना किया यीशु मसीह के सामने। उसको पूरा विश्वास था कि मैं अगर प्रार्थना करूंगी तो यीशु मसीह जो है मेरे मेमने को कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ बच्चों, वो यीशु मसीह से ये प्रार्थना कर रही थी कि हे यीशु मसीह प्लीज मेरे मेमने को बचाना, उसे कुछ भी ना हो। ऐसे वो प्रार्थना करते करते उसके डैडी के साथ उस दुकान में पहुंच गई।
जैसे ही वो उस दुकान में पहुंची और जैसे ही उस दुकानदार को पूछा उसने कि भैया वो मेमना जो मेरे डैडी आपके पास बेचने आए थे वो कहाँ है, उसने बोल दिया अरे बिटिया मैंने तो उसको एक दूसरे दुकान वाले को बेच दिया। तो उसने उस दुकानदार को बोला कि आपने कौन से दुकान में बेचा, तो दुकानदार बोला यही दो कदम आगे। तो वही दो कदम आगे चल के वो जो मेरी है फिर से उस दुकानदार जो दूसरा दुकानदार है उसको जाके पूछी कि क्या हुआ कहाँ पे मेरा मेमना, तो वो बोलता है कि मैंने एक और दुकानदार को भेजा। तो वैसे ही वैसे दो तीन दुकानदार के पास जा जाके उन्होंने फाइनली उसको एक आधे घंटे बाद उसका मेमना जो है एक दुकानदार के सामने मिला। जैसे ही उस मेमने को देखा वो मेमना जो है बाकी एनिमल्स के साथ खेल रही थी। जैसे उसने उसके मेमने को देखा वो बहुत खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि वहीं पे वो यीशु मसीह को बहुत सारा थैंक यू बोलने लगी। वो यीशु मसीह को इसीलिए थैंक यू बोली क्योंकि यीशु मसीह ने उसका प्रार्थना स्वीकार किया था, क्योंकि उसने विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामने ये प्रार्थना किया था कि उसके मेमने को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वैसे ही उस दुकानदार के पास उसके मेमने को कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ बच्चों, फिर वो अपना मेमना लेके घर पहुंची। ऐसे ही बच्चों, कोई भी संकट हो, चाहे वो आपका एग्जाम्स हो या कोई फ्रेंड्स आपको परेशान करे, तो आप घुटना टेक कर यीशु मसीह के सामने विश्वास से प्रार्थना कीजिए, वो अपना प्रार्थना जरूर सुनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें मनुष्य पे नहीं यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यीशु मसीह पे जरूर विश्वास करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय। तो बच्चों, हमने आपसे क्या पूछे थे, विश्वास कैसा आता है और कहां से आता है। रोमियो का किताब उसका 10वां अध्याय 17वां वचन, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो बच्चों, क्या परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे बातों से, हमारे स्वभाव से क्या खुश है? तो परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करना है, आओ इस मेमोरी वर्स के द्वारा हम जानेंगे। तो मेमोरी वर्स सिखाने के लिए हमारे बीच में जॉयस दीदी आए हैं। आर यू रेडी? JESUS। बच्चों, वचन सीखेंगे। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। और एक बार, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। इब्रानियों 11वां अध्याय 6वां वचन, इब्रानियों 11वां अध्याय 6वां वचन। अभी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। But without faith it is impossible to please him. और एक बार, But without faith it is impossible to please him. Hebrew 11:6, Hebrew 11:6। Praise the Lord बच्चों, जय मसीह की। आज हम विश्वास के ऊपर एक थोड़ा सा एक लेसन देखेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें रखे, हम थोड़ा सा एक लेसन देखेंगे। तो हमारे पास दो बुक्स हैं, एक पेपर है और एक खाली ग्लास है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। हम क्या करेंगे, ये दो बुक्स जो है वो हम ऐसे रखेंगे ब्रिज की तरह। ठीक है, तो बच्चों अभी जैसे कि ये पेपर है, एकदम खाली पेपर है, तो मुझे आपसे सवाल करना है, क्या ये ग्लास जो है अगर मैं इस पेपर के ऊपर रखूँगी तो क्या ये वजन झेल पाएगा? हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, ये जो खाली पेपर है इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। ओके, मैं चेक करती हूँ। नहीं हुआ, नहीं झेल पाया है कि नहीं। वैसे ही हमारा विश्वास जो है इस पेपर की तरह एकदम ढीला हो गया है। जैसे ही ये जो दुनिया है, ये ग्लास जो है, ये दुनियादारी का पूरा बोझ है। जैसे ये दुनिया हमें कुछ बोलती है या हमको कुछ सताती है, तो हमारा विश्वास जो क्या है वो डगमगा जाता है। लेकिन जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है तो यीशु मसीह हमको क्या बोलते हैं कि मुझ पर पूरा विश्वास करो। तो हमें विश्वास के ऊपर क्या करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, ताकि हम उस पर
बलवंत बन सके। तो हमें इसको क्या करना है, ये जो पेपर है हम इसको फैन को जैसे हम फोल्ड करते थे स्कूल में फैन बनाने के लिए, उसी तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये प्रॉपर ऐसे, ठीक है। तो हम बारी बारी इसको अभी फोल्ड करते हैं। तो जैसे ही मैंने फोल्ड किया तो ये ऐसे जिगजैग दिखता है। द टाइम आई फोल्डेड इट बिकेम जिगजैग। तो हमें क्या करना चाहिए, इस पे वर्कआउट करना चाहिए, विश्वास पे ना पूरा जोर लगा के उस चीज पे काम करना चाहिए। वर्कआउट यानी उस पे काम करना चाहिए कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं करके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये पेपर जो है फिर से इसके ऊपर रख दूंगी। तो हम देखेंगे कि ये पेपर जो है ग्लास का वजन झेल पाता है या नहीं। रेडी, तो हम इसके ऊपर अभी ग्लास रख के देखते हैं कि ये वजन झेल पाता है या नहीं। देखा, जैसे हमारा विश्वास एकदम स्ट्रांग हो गया हम इस दुनिया की चीजों को झेल सकते हैं, क्योंकि हमने किसके ऊपर भरोसा किया है, किसके ऊपर विश्वास रखा है, यीशु मसीह पे। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उस पे एकदम बलवंत बनते हैं तो ये दुनिया जो है हमें कुछ नहीं कर सकती है बच्चों। तो हमें फ्रेंड्स के ऊपर या किसी मनुष्यों के ऊपर विश्वास न करते हुए हमें किस पे विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह पे। तो कोई भी हडल हो या कोई भी मुसीबत हो तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के प्रार्थना करें या उसके ऊपर उसके वचन के ऊपर अगर विश्वास रख के हम प्रार्थना करेंगे तो इस दुनिया की कोई भी तकलीफ हमारे ऊपर बलवंत नहीं हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो आप यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास रखना और ये चीज जो है आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले बार, बाय। यूसुफ के भाई अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने शिकिम को गए और याकूब यूसुफ को उसके भाइयों को ढूंढने के लिए शिकिम को भेजता है कि उनका समाचार दे। यूसुफ शिकिम के लिए उत्तर की लंबी यात्रा के लिए निकलता है। यह नक्शा उसे सबसे अधिक संभावना वाले मार्ग को दिखाता है जो यूसुफ ने अपने भाइयों को खोजने के लिए लिया होगा। जब यूसुफ शेकिम को पहुंचा तो उसने चराई वाली भूमि को ढूंढा, परंतु उसके भाई नहीं मिले। एक व्यक्ति ने उसे बताया कि उसने उन्हें यह कहते सुना कि वे दोतान की तरफ नया चारा ढूंढने जा रहे हैं। यह नक्शा दोतान के स्थान को दिखाता है जो उत्तर की ओर करीब 10 मीलों यानी 16 किलोमीटर की यात्रा को दिखाता है। उसके जलन रखने वाले भाइयों ने उसे दूर से देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। वे एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम उसे घात करके इस गड्ढे में डाल देंगे, फिर कहेंगे कोई जंगली जानवर ने उसे मार डाला। रूबन जो सबसे बड़ा भाइयों में से था उसने विरोध किया और यूसुफ को न मारने और न उसका लहू बहाने के लिए कहा। वह सुझाव देता है कि उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो, परंतु उस पर हाथ मत उठाओ। रूबन उसे गड्ढे में से निकालने की योजना बना रहा था। यूसुफ के भाइयों ने उसे पकड़ा और उसका कीमती अंगरखों का उतार लिया। फिर उन्होंने यूसुफ को पकड़कर एक सूखा गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा बिल्कुल सूखा था और उसमें कुछ भी पानी न था।
जैसे ही वे बाई भोजन कर रहे थे तो वे गिलाद से कुछ इस्माइल व्यापारियों को आते हुए देखा कि उनके ऊंट मसालों बलसान और गंधरसे से लदे हैं, जो वे मिस्र की ओर ले जा रहे हैं। रूबन उस समय अपने भाइयों के साथ न था। यहूदा यूसुफ को इस्माइली व्यापारियों को बेचने का सुझाव प्रस्तुत करता है। सब भाई इस योजना पर सहमति देते हैं और यूसुफ को चांदी के 20 टुकड़ों में बेच देते हैं। रूबन वापस लौटता है और यूसुफ को न पाया। तब उसे पता चला कि क्या हुआ और डर कर कि उस पर सारा दोष लगाया जाएगा, इसलिए बहुत दुखी हुआ। यूसुफ को इस्माइली व्यापारियों के द्वारा मिस्र की एक लंबी यात्रा पर दक्षिण ले जाया गया। यह नक्शा मिस्र के उस सबसे अधिक संभावना वाले मार्ग को दिखाता है जहां से यूसुफ ले जाया गया। मिस्र ने यूसुफ को एक गुलाम बाजार में लेकर गए। पोतीपर, जो कि अंगरखों के प्रधान के रूप में फिरौन के लिए काम करता था, और वो बाजार में एक गुलाम की खोज कर रहा था। पोतीपर ने यूसुफ के लिए बोली लगाई और उस इस्माइली व्यापारियों से खरीद लिया, और वहां यूसुफ के भाइयों ने उसके लापता होने की योजना बनाई। उन्होंने एक बकरा मारा और यूसुफ के कीमती अंगरखे को उसके लहू में डुबा दिया, और वे उस अंगरखे को दिखाने के लिए याकूब के पास लौटे। याकूब ने यह मान लिया कि निश्चय ही यूसुफ को जंगली जानवरों ने फाड़ डाला है। याकूब जोरों से रोने लगा और बहुत दुखी हुआ। उसने बोला कि वह अपनी पूरी जिंदगी यूसुफ के लिए शोक मनाता रहेगा। आज का प्रोग्राम हम यही समाप्त करेंगे। यदि आज आप और आपके परिवार इस यीशु पर विश्वास करें, तो ये सारे आशीषें यीशु मसीह आपको देगा। अगले प्रोग्राम में हम आपके सामने बहुत सारे बातें लेकर आएंगे। अभी अंतिम प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको एक्शन सॉन्ग, वचन और कहानियां और पपेट भी अच्छा लगा होगा। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं। हम आंखें बंद कर घुटने टेक कर यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करते हैं। महास्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए आपके सम्मुख में आने के लिए आपने अनुग्रह किया, इसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस केसीसी संडे स्कूल को आपने चलाने के लिए अनुग्रह किया, इसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक्शन सॉन्ग, वचन, स्टोरी के द्वारा आप पर भरोसा करने के लिए, ये सब सीखने के लिए आपने अनुग्रह किया, इसे धन्यवाद करते हैं। देखने वाले हर एक बच्चों को आप आशीष कीजिए, इनके द्वारा और भी आपकी नाम की महिमा होने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। इन बच्चों के द्वारा इनके परिवार को भी आप आशीष कीजिए, आप पे पूरा भरोसा करने के लिए आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन।